हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन योर चैनल फोकस सिविल वन। दोस्तों, आज हमारी वीडियो है सेक्शन ऑफ फाउंडेशन डिटेल ऑफ ब्रिक बॉल और टाइपिकल फाउंडेशन डिटेल ऑफ ब्रिक बॉल। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट एंड शेयर और साथ में क्लिक द बेल आइकन। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं एक सेक्शन लेकर आया हूँ जो कि हमारा सेक्शन है एक ब्रिक वॉल की बाउंड्री के लिए। जो ब्रिक वॉल होता है, ब्रिक वॉल में जब हम एक्सकवेशन कराते हैं ब्रिक वॉल के लिए, वो चाहे वो पार्टीशन वॉल हो, वो सॉरी या तो वो लोड बेयरिंग वॉल हो, पार्टीशन वॉल हो एंड बाउंड्री वॉल हो, ये चीज़ हमें इसमें जो जितना भी हमें इसमें एक स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट है, जो जो ध्यान में देने वाली बातें हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रिक वॉल कास्ट कराने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे जो रोल होता है वो एक्सिबिशन के बाद जितना भी सब कुछ होता है वो मैं आज आपके लिए एक सेक्शन में आपको दिखाने जाता हूँ। तो दोस्तों, मेरा एम सिर्फ इतना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये और जितना भी लोड बेयरिंग जो जो भी जिसकी थिकनेस होती है, जितनी भी इसकी थिकनेस होती है, हाइट होती है, वो सब लोड बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल ऑफ कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। एंड ये जो मैं लेकर आया हूँ वो मिनिमम थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि इतना तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो रोल आता है वो आता है पीसीसी का, ठीक है। तो पीसीसी में हम दोस्तों 700 mm की पीसीसी कर लेते हैं, 700 टू 800, ठीक है। और दोस्तों, ये जो हमारे जो पीसीसी बेड होता है उसकी हम थिकनेस रखते हैं मिनिमम 100 mm थिकनेस, यानी 4 इंच। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे ये जो पीसीसी बेड का ऑफसेट होता है, ये हम 75 mm रखते हैं, यानी कि 3 इंच। और इसकी जो हाइट होती है, ये जो हाइट होती है फर्स्ट स्टेप की जो हाइट होती है वो हम रखते हैं, इसकी जो रखते हैं हम 150 mm, 150 mm यानी कि दो लेयर, जो दो लेयर होती हैं ब्रिक की, इसकी थिकनेस जो होती है वो एक की 75 mm होती है, यानी कि दो की 150 mm। तो दोस्तों, इसकी जो ब्रिथ होती है, ये जो ब्रिथ होती है यानी कि जो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये जो ब्रिथ होती है इसके हम रख सकते हैं 575 mm, ये जो उसकी दो लेयर होते हैं। इससे ऊपर जब हमें स्टेप आता है, दूसरा स्टेप आता है, जिससे कि हम स्टेप को स्टेप टू बाई स्टेप दिखाते हैं, तो इस सबसे पहले के बाद जो स्टेप होता है वो दूसरा स्टेप जो होता है, हम ये वाला स्टेप जो होता है वो हम 4/6 यानी कि 400 mm रखते हैं, 460 mm। इसमें भी क्या होता है, इसकी जो ले वो होती है थिकनेस होती है, जो इसकी जो लेयर होती है स्टेप बाय स्टेप की, जो जितने भी स्टेप हम करते हैं, तो इसमें भी दूसरे स्टेप की जो थिकनेस होती है वो भी 150 mm होती है। इसमें क्या कह सकते हैं, 460 mm, यानी कि हम कह सकते हैं कि 18 इंची, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद हम जो हमारा जो इसके बाद जो दूसरी लेयर रखते हैं, इसके भी हमारे दो वो होते हैं, दो लेयर होती हैं, यानी कि हम दो वोला ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है, इसकी भी सेम वेयर, सेम सिमिलरली सेम वो होगी 150 mm, और इसमें भी दो लेयर होंगी, जिसकी जो कि एक लेयर 75 mm यानी कि दो लेयर होगी, जिसकी ब्रेथ होगी 40 mm यानी कि 14 इंची, यानी कि 345 mm, 345। उसके बाद जो हम करते हैं, ये जो हमारी जो वॉल आएगी, वॉल उसकी हम दिखा सकते हैं 230 mm, ये यानी कि 9 इंची। इससे हमारी स्टार्ट हो जाती है ब्रिक वॉल। इसके ऊपर जब जितना भी ये एबव होता है, ग्राउंड से एबव होता है, जितना भी ब्रिक वर्क होगा हमारा वो 230 mm का होगा। तो ये हमारा ग्राउंड है। तो जितनी हम इसकी कम से कम कितनी हाइट रखते हैं, मिनिमम हमारी हाइट 750 mm होनी चाहिए, यानी कि ग्राउंड लेवल से पीसीसी बेड तक, पीसीसी बेड के डाउनवर्ड से। तो 75 mm हमारी कम से कम थिकनेस होनी चाहिए दोस्तों। और हमारा जो जितना भी है, मिनिमम 150 mm थिकनेस इसकी होनी चाहिए। दो लेयर हमारी जो होती है वो होती है जो हमारे 750
575 एम की हमारी दो लेयर होनी चाहिए ब्रिज की, जो कि हमारी 150 एम तक पहुंचेगी। उसके बाद जो हम दूसरी लेयर रखेंगे वो हमारी 460 एम की होनी चाहिए, जिसमें कि दो टू लेयर होंगी, एक ब्रिक की 75 है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 150 एम कैसा है। उसके बाद जो हम रखते हैं तो हमारी 345 एम की होती है, जिसको हम 14 इंच बोलते हैं। जब उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क होगा एवअप टू जीएल यानी ग्राउंड लेवल, तो वो 230 एम हम रखते हैं, जिसे हम कहते हैं 9 इंच। दोस्तों ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और इसमें ग्राउंड लेवल से हम जो एक्सकवेशन कर जाते हैं ब्रिक वॉल के लिए, वो कम से कम हमारी 750 एम होनी चाहिए। तो दोस्तों नोट करके आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जितनी भी मैंने आपको बताई है वो सिर्फ मिनिमम होना चाहिए, वरना जितनी भी फाउंडेशन जो होती है फाउंडेशन की विड्थ, थिकनेस एंड एक्सकवेशन अकॉर्डिंग टू वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो डिपेंड होता है कि वहाँ की वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी है, वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसी है, वहाँ की सॉइल ज़्यादा लोड के बाद फेल तो नहीं हो जाएगी, उसी के हिसाब से एक्सकवेशन होता है। पर दोस्तों मिनिमम कम से कम इतना ही तो होना चाहिए, जिससे कि हम एक कह सकते हैं कि एक साइड इंजीनियर के लिए या फिर एक ऑनर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, सुपरवाइजर के लिए ये एक पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो हमारी यहाँ तक। तो दोस्तों जिन लोगों ने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और जैसी आपको वीडियो लगी उसके हिसाब से आप मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।